जिंदगी की कश्मकश में कुछ यूं मोड़ आ जाते हैं कि कुछ अजनबी ऐसे ही टकरा जाते हैं। ओ मैडम, दिखता नहीं है क्या? लगता है अपनी दोनों आंखें और अकल अपने घर पे छोड़ के आई हो। ये कहानी है वंश और इशिता की, जो ऐसे ही किसी मोड़ पर टकरा गए हैं। तमीज से बात करनी नहीं सिखाई क्या कभी किसी ने? पता नहीं कहां कहां से उठ के चले आते हैं। तो तुम्हें तमीज की पड़ी है? यहां मेरी लाइफ जरूरी नहीं है क्या? हां, यहां तकरार तो हो चुकी है, अब देखना ये है कि इशिता यहां जीतेगी या फिर वंश। चल उठ ले। सर प्लीज, सर सर प्लीज लेट मी गो, मुझे कहीं पे पहुंचना है सर। चलेगा सर प्लीज। चलो उठो उठो। अरे किसी के पास पेन है तो दो ना यार। तुम यहाँ? तुम मेरे कॉलेज में क्या कर रही हो? हम दोनों एक ही कॉलेज में। अच्छा सुनो, उस दिन के लिए सॉरी बोलना। क्या इशिता को उसकी सॉरी के बदले माफी मिलेगी? क्या इनकी मुलाकातों की गाड़ी ऐसे ही बढ़ती रहेगी? इनकी दुश्मनी का अंत होगा या इनके नए प्यार की कोई शुरुआत? जानने के लिए सुने ये कहानी, पहला पहला प्यार, सिर्फ कुकू एफएम पर।